नमस्कार दोस्तों, 200 BCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थाएं हैं और उनकी संरचना, कार्यप्रणाली, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। सबसे पहली संस्था है, ध्यान रखिएगा, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और सारी चीज़ें किस तरीके से घटनाक्रम चला, उन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, तो इनकी प्रेरणा 12 जून 1941 को ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल देशों के अलावा 9 अन्य देशों ने क्या किया कि लंदन में एक संयुक्त घोषणा करी। अब उसके बाद क्या होता है, उस जिसके माध्यम से विश्व शांति सुरक्षा के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता पर सहमति इन्होंने प्रदर्शित करी कि भाई विश्व में शांति होनी चाहिए, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं, ठीक है। और इसके लिए सम्मेलन 31 अगस्त से 28 सितंबर 1944 तक के मध्य चलाया गया, वाशिंगटन DC में हुआ। अब जिसे डबर्टन ओक सम्मेलन का नाम भी दिया गया। इसी सम्मेलन में नए संगठन के सर्वमान्य सिद्धांतों, नामकरण प्रस्ताव को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, सैन फ्रांसिस्को का एक सम्मेलन होता है जो कि 25 अप्रैल से 6 जुलाई 1945 तक चलता है, और इसी में संयुक्त राष्ट्र संगठन के संविधान को 50 राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, यहीं से स्थापना होती है। पोलैंड ने सम्मेलन के कुछ समय उपरांत अपनी सहमति प्रदान की, परंतु उसे भी संस्थापक सदस्यों में शामिल किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक रूप से उदय होता है, प्रादुर्भाव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, नीली पृष्ठभूमि पर एक विश्व मानचित्र को दर्शाता है जो कि जैतून की शाखाओं का हार पहने हुए हैं। जैतून की शाखाएं जो हैं विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, अरबी है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है। कार्य करने वाली भाषाएँ केवल दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को 193 देशों द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। 193 सदस्य हैं इसके, और दक्षिणी सूडान अभी हाल ही में बना है। संयुक्त राष्ट्र का संघ का एक चार्टर है, इसका संविधान है। इस चार्टर में लगभग 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 1 के अनुसार क्या कहता है कि इसमें 4 उद्देश्य दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, देशों के मध्य शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, इन समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने वाले केंद्र की भूमिका अदा करना। तो ये सारे के सारे 4 उद्देश्य माने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र के, जो ये करता है, जो इसका एम है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यय जो है इसके सदस्य देश वहन करते हैं, और इसकी महासभा की प्रथम बैठक 1952 में आयोजित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। 6 अंगों को अब एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महासभा, महासभा को देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग महासभा मानी जाती है, और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महासभा का नियमित अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के 3rd मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रथम अधिवेशन के महासभा द्वारा नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्षों और 7 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। महासभा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव व नियुक्ति करती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की संसदीय पर किसी नए देश को सदस्यता प्रदान करना है, यह प्रदान करती है और अपने महासचिव को नियुक्त करती है। महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी पारित करती है। ये एक तरीके से समझ लीजिए जैसे
हमारे देश में लोकसभा है, उसी तरीके से यूएनओ में महासभा है। ठीक है, अब अगली चीज है कि महासभा अपने कार्यों को निम्नलिखित 7 समितियों के माध्यम से करती है। महासभा 7 समितियों के माध्यम से चीजों को करती है। तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय पहली समिति है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निःशस्त्रीकरण समिति विशेष राजनीतिक समिति, तो ये पहली समिति है। दूसरी है आर्थिक एवं वित्तीय समिति। तीसरी है सामाजिक मानवीय सांस्कृतिक समिति। चौथी है उपनिवेशीकरण समिति। और पांचवी है प्रशासन एवं बजट समिति। छठवीं है कानूनी समिति। तो इन समितियों के माध्यम से महासभा कार्य करती है। ठीक है, महासभा के कार्यों को भी आपने लोगों ने देखा, सारी चीज़ों को देखा। अब दूसरा जो भाग है, 6 भागों में से दूसरा भाग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है, वह कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो करने का, जैसे किसी मामले में बाकी सुरक्षा परिषद पारित कर देती है, लेकिन अगर एक भी देश जो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, वो अगर वीटो शक्ति किसी भी मामले में किसी भी मुद्दे पर मना कर देता है, तो फिर वह चीज़ें आगे क्रियान्वित नहीं होती हैं, जिसका अर्थ है निषेधात्मक वोट देना। किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती, परंतु उस पर स्थायी सदस्य उसमें से सहमत नहीं हो तो निषेधात्मक मत माना जाता है। सोवियत संघ रूस ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। 1971 में भारत पाक युद्ध के प्रश्न पर दूसरी बार वीटो का उपयोग किया था। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सुरक्षा परिषद की बैठक जो 14 दिन में एक बार होती है और आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे की सूचना पर कभी भी बुलाई जा सकती है। तो ये सुरक्षा परिषद है। अब अगली चीज़ है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो अब देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या करती है। आर्थिक सामाजिक परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न अंगों तथा अधिकरणों की आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को समन्वित और संपन्न करने वाली संस्था है। इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं। इसके कुल सदस्यों में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता रहता है। 1/3 प्रतिवर्ष पदमुक्त भी, मतलब हटाए भी जाते हैं, और उतने ही भरे भी जाते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। प्रत्येक सदस्य की सदस्यता अवधि जो है 3 वर्ष तक रहती है। अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है, एक देश का एक ही प्रतिनिधि होगा। इस परिषद में निर्णय साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं। आर्थिक सामाजिक परिषद का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है, जुलाई में जिनेवा में होता है। यह परिषद अपना कार्य जो है विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों, विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। तो इसने बहुत सारे आयोग, समितियां, सारी चीज़ बना रखे हैं, जिनमें चीज़ों को देखते हैं। 5 हैं, आर्थिक तथा रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, मानवीय अधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, जिसको यूनिसेफ कहा जाता है, इकोनॉमिक एंड स्पेशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो इनके माध्यम से कार्य करती है। अब अगली चीज़ है प्रन्यास परिषद। तो देखिए, प्रन्यास परिषद क्या है। चार्टर की धारा 77 में एक प्रन्यास पद्धति 3 प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित है, कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित समाज्ञा के अधीन देश जो आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शत्रु राष्ट्रों से छीने गए प्रदेश और उपनिवेशवादी देशों द्वारा स्वेच्छा से इस व्यवस्था के अधीन रखे गए अधीनस्थ क्षेत्र। ये क्षेत्रों का बंटवारा है एक ही अवधारणा के तहत किया गया है, कि भाई ये प्रन्यास परिषद के तहत आएंगे। प्रन्यास परिषद का गठन निम्न 3 प्रकार के सदस्यों से होता है, कि जैसे प्रन्यास क्षेत्रों का प्रशासन करने वाले सदस्य जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन हैं। सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य जो प्रन्यास क्षेत्र का प्रशासन नहीं है, जैसे फ्रांस, चीन, रूस। और महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित ऐसे सदस्य जिनकी संख्या जो है प्रन्यास क्षेत्रों के प्रशासनकर्ता
और गैर प्रशासनकर्ता सदस्यों के बीच समान विभाजन के लिए पर्याप्त हो। ऐसे सदस्यों की संख्या 5 है और इस प्रकार प्रन्यास परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं। यह पूरी पूरी संरचना है। प्रन्यास परिषद अपने कार्य संचालन के लिए नियम स्वयं निर्धारित करती है। प्रन्यास परिषद के 2 अधिवेशन होते हैं, जून और नवंबर में, और सत्ता अनुसार अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो पहले भी बुला लिया जाता है। नवंबर 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ ही उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी थी और परिणामतः प्रन्यास परिषद के कार्य उत्तरदायित्व भी लगभग नगण्य हो गए। ठीक है, अब अगली चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख न्यायिक अंगों में से एक है। 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में, ध्यान रखिएगा एक जगह है नीदरलैंड में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है, ध्यान रखिएगा 9 ईयर्स के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसके विरुद्ध कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती, ना ही उसकी वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के नगेन सिंह अध्यक्ष के रूप में और आर्य पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये कुछ बातें हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित। अब अगला है आपका सचिवालय। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रकार देखने के लिए एक सचिवालय होता है जिसका प्रबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के हाथ में होता है, जिसकी नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा करती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और अन्य पदों में पदाधिकारियों को महासचिव नियुक्त करता है। सचिवालय के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के चयन के 4 प्रमुख आधारे होते हैं कि जैसे कार्य क्षमता, आपकी क्षमताएँ कितनी हैं, कार्य करने की आहर्ता, भौगोलिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में संबद्ध राष्ट्र द्वारा प्रदत्त अंशदान, यानी जो पैसा दिया जाता है अंशदान के रूप में। अब दूसरी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संस्थान कौन कौन से हैं, कि जैसे पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको फायो कहा जाता है। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है और खाद्य कृषि संगठन के कार्यों में पोषण, खाद्य एवं कृषि संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसार, भूमि एवं जल संसाधनों के विकास को प्रोत्साहन, पशुपालन एवं कृषि के उन्नत तरीकों का प्रसार, वनारोपण, खाद्य वस्तु संरक्षण, रासायनिक खाद्य निर्माण, सदस्य देशों को उपयुक्त तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के 3 अंग हैं, सामान्य सभा, कार्यकारी परिषद और कार्यालय। अब दूसरी महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र की एक आर्थिक और सामाजिक परिषद का विशिष्ट अभिकरण बनाया गया था। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का उद्देश्य मजदूरों की दशा, जैसे जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनकी रहन सहन में स्तर में सुधार करना, उनके आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के कार्यों का संचालन करना, और इनका संचालन जो है 3 संस्थाओं के माध्यम से, सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों का सामान्य सम्मेलन, प्रशासकीय मंडल और स्थायी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगली चीज़ है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसको कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा दिल्ली, अलेक्जेंड्रिया, ब्राज़ील, वाशिंगटन, मनीला, कोपेनहेगन में संगठन के प्रादेशिक कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य विश्व के स्वास्थ्य को सुधारना, अच्छा रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्न 3 अंग हैं, महासभा, सचिवालय और महासभा द्वारा चयनित व्यक्तियों का प्रबंधन बोर्ड। अब अगली चीज़ है आपकी यूनेस्को। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ये जिसको यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, ताकि विश्व की शांति सुरक्षा सुदृढ़ की जा सके। यूनेस्को का संचालन 3 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है।
सामान्य सभा, कार्यकारिणी सभा और कार्यालय। अब अगली चीज़ है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष संकट कोष, बाल संकट कोष या यूनिसेफ जिसको कहा जाता है, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ राष्ट्रीय समितियों के बाद गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अपने कार्यों को संचालित करता है। यूनिसेफ की स्थापना महायुद्ध जो विश्वयुद्ध हुआ था उसके बाद बच्चों की दशा सुधारने के लिए की गई थी। इसके द्वारा विश्व के बच्चों के जीवन के स्तर में सुधार हेतु सक्रिय सहयोग दिया जाता है, ठीक है। अब अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जिसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। देखिए जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड समझौते में हुए समझौते के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक का उद्भव होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और विश्व बैंक का सदस्य देश वही हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो, यानी IMF का जो सदस्य हो वही विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है। विश्व बैंक की प्रारंभिक पूंजी $1 बिलियन थी। विश्व बैंक की अपनी प्रबंध समिति है, कार्यकारी निदेशक होते हैं, एक प्रबंध निदेशक होता है। विश्व बैंक की शक्तियाँ प्रबंध समिति में निहित होती हैं और यह समिति जो है प्रतिवर्ष अपना अध्यक्ष चुनती है। विश्व बैंक के कार्यों के लिए पूंजी की व्यवस्था जो है यह अर्धविकसित और विकासशील देशों के विकास कार्यों के लिए पूरा करने के लिए उधार देता है, ठीक है। तो ये विश्व बैंक संबंधित कुछ चीज़ें हैं। अगला जो संगठन है अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहा जाता है। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 27 दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय Washington DC में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निम्न चार अंग हैं, संचालक मंडल, कार्यवाहक निदेशक और प्रबंधकारी निदेशक और कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो उद्देश्य है, उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर विस्तृत एवं सुदृढ़ करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है और यह हिसाबी मुद्रा है जिसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने अनुसार लेते हैं। 1 जनवरी 1981 से विशेष आहरण अधिकार का मूल्य 5 बड़े निर्यातक सदस्य देशों की मुद्रा पिटारी के आधार पर तय किया जाने लगा। दिसंबर 1971 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समस्त लेन देन विशेष आहरण अधिकार के रूप में किए जाने लगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए IFC के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को विश्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 20 फरवरी 1957 को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सदस्य बनने के लिए विश्व बैंक की सदस्यता एक अनिवार्य शर्त के रूप में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका Washington DC में स्थित है, वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सभापति जो होते हैं विश्व बैंक का ही सभापति होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कार्य अविकसित एवं अर्धविकसित देशों में व्यक्तिगत संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जिसको ITU कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना 1965 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1932 में मैड्रिड स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार समझौतों को पारित हो जाने के बाद 1934 में इसका नाम बदला गया था। 1947 में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी संबंधी विशिष्ट एजेंसी बना देते हैं और इस संघ का कार्य जो है तार, टेलीफोन, रेडियो की सेवाओं को प्रसार करना, विकास करना, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करना। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का प्रशासन जो है एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का सर्वाधिकारी सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रशासकीय अधिवेशन प्रत्येक 1 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर 1944 को की गई थी। मुख्यालय कनाडा में है, कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, तो वहीं पर है। इस संगठन में सामान्य सभा और एक कार्यकारी परिषद होती है जो संगठन के कार्यों, नियमों, सूचना एकत्रीकरण का कार्य करती है। इस संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय
नागरिक उड्डयन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नागरिक उड्डयन के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं नियमों का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के विकास हेतु प्रोत्साहन संबंधी अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। अब अगला जो संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO भी कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1873 में की गई थी। इसका संचालन 1950 में किया गया। यह संगठन 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण बनता है। इस संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? कार्य है कि मौसम विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए अगला जो संगठन है वो है आपका सार्वभौमिक डाक संघ। तो देखिए सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसका मुख्यालय बर्न में ही है। इसका मुख्यालय इंटरनेशनल ब्यूरो कहलाता है। सार्वभौमिक डाक संघ को 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभा के एक प्रस्ताव द्वारा एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस संघ के सदस्य जो हैं प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक महाअधिवेशन आयोजित करते हैं और सार्वभौमिक डाक संघ के कार्य एवं ब्यूरो महानिदेशक कार्यकारी परिषद परामर्श समिति के माध्यम से संपन्न करते हैं। इस संघ का उद्देश्य सदस्य देशों में डाक संबंधी सुविधाओं का विकास करना। अब देखिए अगला जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण की स्थापना 19 जुलाई 1957 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना में है और एक स्वायत्तता प्राप्त संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण का उद्देश्य विश्व की अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करना और इसके साथ साथ में जैसे सुरक्षा है, निर्माण है, इनकी दिशा में अन्य सहयोग देना। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन जिसको IMO कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में स्थित है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? नाविक यातायात में सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना, बिना भेदभाव के व्यापार में वृद्धि के उद्देश्य से समुद्री परिवहन के कार्यों में विश्व के देशों को सुविधाएँ प्रदान करना। अब अगली जो संस्था है वो आपकी प्राविधिक सहायता प्रशासन है। प्राविधिक सहायता प्रशासन एक अर्ध विकसित देशों में कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में प्राविधिक यानी कानूनी सहायता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत देशों का आर्थिक सामाजिक निगम, तो यह जो संस्था है यह संयुक्त राष्ट्र का एक क्षेत्रीय निगम है जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद ने 28 मार्च 1947 को स्थापित किया था और इस निगम का कार्य एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि का विकास करना है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग। तो देखिए इस उच्चायोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का मुख्य कार्य ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना जिन्होंने देश को जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विद्वेष आदि कारणों से छोड़ दिया हो, जो अपने देश वापस नहीं जाना चाहते हों। और सबसे संयुक्त राष्ट्र का सबसे अंतिम संस्था संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन। तो यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना 1966 में की गई थी और इसे जनवरी 1967 से कार्य करना प्रारंभ किया। इस संगठन का प्रधान कार्यालय वियना में है और इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों में औद्योगिकरण को विकसित करना और प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को PDF मिल जाएगी। अगले वाले लेक्चर में हम लोग नाटो से शुरू करेंगे, उत्तरी अटलांटिक संगठन से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।